कौन है ये? सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कर दो सब्सक्राइब। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो गाइज, ये वाला जो गेम प्ले भाई, ये फुल गेम प्ले, और काफ़ी बंदों को ये दिक्कत आती है कि वो स्टार्टिंग पार्ट में या फिर मिड पार्ट में ही एलिमिनेट हो जाते हैं और उनका रैंक पुश सही से हो नहीं पाता है। तो इस वीडियो से तुमको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि भाई स्टार्टिंग पार्ट से लेकर मिड पार्ट तक कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं, और मोस्टली वीडियो जो मैं डालता हूँ वो एंड पार्ट का ही डालता हूँ, तो तुमको वहाँ से तो अच्छा खासा आइडिया होगा कि एंड पार्ट कैसे सर्वाइव करना है। अब मुझे मालूम था कि स्पॉन लोकेशन कोई व्हीकल का, वहाँ से मैं बग्गी लेके आ जाता हूँ और ये जो जोरपुर सिटी की अपार्टमेंट है यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बंदे बहुत कम आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे फुट स्टेप सुनाई देता है और पता पड़ता है कि यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी आ चुका है जो कि अच्छे खासे लूट कर चुका है। अब देखो गाइस क्या होता है। अब जैसा कि ये बंदा बिल्कुल टीपीपी के अगेंस्ट आया और उस पर मैंने फायर लेके भाई कवर ले लिया, उसके बाद उसकी यूजी को रिलोड पे आते ही इस पर रश करके उसको मार दिया। अब यहाँ पे मैं ये इमोट करके इसको बताता हूँ कि ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। अब मेरा मतलब था कि हम इतना दूर यहाँ पर बस लेकर क्यों आए, ताकि हमारा अर्ली स्टेज जो फाइट होते हैं उसको हम अवॉइड कर सके और हमारा माइनस जल्दी से ना हो और रैंक पुश थोड़ा अच्छी तरीके से चल सके हमारा। लेकिन ये भाई सब थोड़ा ओवर स्मार्ट बन के हम पे रश करने चलते हैं कि ये बंदा नियत्ता होगा, इस पर मार के मैं एक पॉइंट ले लूँगा। लेकिन अब एक पॉइंट के चक्कर में इसने माइनस 40 खा लिया, कितने मुझे नहीं पता, लेकिन उसका माइनस हो गया। अब जब भी मैं 10 में से 2 मैच में इधर आता हूँ तो आते बंदे बहुत आते, लेकिन वो एक दूसरे पे फायर नहीं करते, वो अपना अपना लूट करके निकल लेते हैं। और इतने में मैं लूट कर ही रहा था कि मुझे ये फ्लेयर गन मिल गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए तो, और इसको मैं आगे जाकर बहुत अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं 10-15 घंटों तक लूट करता हूँ और उसके बाद जोन आ जाता है। अब ऐसा नहीं कि जोन आ गया तो भाई भागो मार डालेगा ये जोन, ये तो स्टार्टिंग का जोन है भाई, ये ज़्यादा डैमेज देगा नहीं। और यहाँ पर आप रुक रुक के हिल हिल करके भाई आप बच सकते हो जो अर्ली स्टेज पे है, इधर उधर रोटेशन मार के बंदे मारते हैं उनसे। सो गाइस, यहाँ से नेक्स्ट जोन को क्लोज होने में 50 सेकंड थे और 50 सेकंड में हम नेक्स्ट जोन में पहुँच सकते हैं। तो मैं सीधा निकलता तो बग्गी लेके, क्योंकि यहाँ पर बैठ के मैं कभी हील या फिर तेल वेल भरना ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता। कभी कभी बंदे कैंप करते कोई व्हीकल देख के, इसलिए आप ऐसी गलतियाँ ना करोगे तो बच जाओगे। अब यहाँ पे मैं सीधा जोन के अंदर जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर हील कर जाता हूँ, क्योंकि क्या पता आगे थोड़े बहुत कंपाउंड है और बंदा कोई वहाँ पर होल्ड कर रखा होगा तो थोड़ा बहुत भी फायर देगा तो हम जाएंगे भाई, क्योंकि हेल्थ हमारा कम है। अब हील वील करने के बाद मैं आ जाता हूँ भाई जोन के अंदर और वेट करता हूँ कि जोन यहाँ से हट जाए और मैं अपना फ्लेयर चला सकूँ और अपना बीएडी मंगा सकूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमारा बीआरडीएम आ चुका है और मैं वेट करता हूँ भाई अगले जोन बनने का, क्योंकि अभी से मूवमेंट देंगे तो बंदे डैमेज कर देंगे और लास्ट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब फिलहाल हम आ चुके हैं अब इस जोन में और यहाँ से गाड़ी आ रहा था भाई सामने से, मैं सोचा था इसको भाई स्टॉप करके अपना बीआरडीएम इसको मारूंगा, लेकिन उसका जो स्पीड है भाई बहुत तेज निकल गया वो हमारे हाथ से और बस उस पर एक भी बुलेट कनेक्ट होता है नहीं और वो बंदा आगे जाकर ठुक जाता है। लेकिन हम अंदर घुस जाते भाई अपने बीआरडीएम के, क्या पता कोई बंदा हमको स्पॉट करके हम पे फायर कर दे। अब मैं इधर आता हूँ और ये बंदा भी ऐसे जा रहा था भाई, इसका जो ओपन जिप्सी था इसलिए उस पर मैं फायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस पर भी अच्छा कनेक्ट होता है नहीं फायर। तो मैं जैसे तैसे भाई अगला जोन के सेंटर में जाके होल्ड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो भाई ये जो किलपिट में देख रहा हूँ भाई आई एम ब्लैक और इन पे भाई सस्पिशियस लग रहा था मेरे को इनका, इसलिए मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले रहा था इधर उधर घूमने का, इसलिए भाई एक जगह होल्ड करा मैंने। और उसके बाद जो भी ये सरदार नाम से भाई किलपिट में आ रही है भाई, तो हमारे सुपर प्रो है, प्रो प्लेयर हैं। अब ऐसे भी एक आ गया भाई बीआरडीएम के अंदर भी गोलियाँ लग जाती है, इसलिए मैं भाई दूर ही रहता हूँ इन नूबड़ों से। सो इतने में अगला जोन बन जाता है और मैं आ जाता भाई सेंटर में कहीं ऐसे जगह जहाँ पर मैं होल्ड कर सकूँ और बंदों के किल उठा सकूँ। अब फिलहाल देखें तो भाई 11 बंदे अलाइव है और इस समय में मर जाता हूँ ना भाई, अभी भी मेरा माइनस होगा। तो आप जितना मतलब जितना हो सके आपसे भाई कोशिश करो कि आप टॉप 10 करो कम से कम, तब आपका प्लस होना तो हो पक्का है। किल के लिए जाओगे तो भाई आप मरोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पोजिशन के लिए खेला करो तो आपके प्लस होना फिक्स रहेगा, और आपका जो 20 मतलब 25 मिनट आप सर्वाइव करते हो उसके बाद भी माइनस हो जाता है कभी कभी, तो इसी वजह से भाई आप कम से कम टॉप 10 कर लो तो आपका माइनस कम होगा। और फिलहाल ये भाई सब क्यों
क्यों पर वो बन रहे, क्यों मतलब यहाँ पर बंदे स्पॉट करना मुश्किल है। और ये भाई साहब, अब ये वही बंदा है जो सरदार नाम से, मैं बिल्कुल समझ गया था क्योंकि इसने यहाँ पर होल्ड करते हुए बहुत सारे बंदे ऑलरेडी मार गए थे। अब यहाँ पे छोड़, बिल्कुल डीप है यहाँ पर, मेरे पे फायर नहीं आएगा ऐसा सोच के मैं यहाँ पर हील करता हूँ भाई। और यहाँ पे भी मेरे पे फायर आता है। अब यहाँ पर मुझे पट्टी लगाने को मेरा हाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भाई सबको मेरा गाड़ी दिख रहा है पूरा। अब इतना प्रो नहीं बनना पड़ता यार। अब यहाँ पे मैं अपना BRDM घुमा जा रहा था कि मैं नहीं चाहता कि बंदा मेरा BRDM बिल्कुल डैमेज कर दे। अब इतने में वो जो हैकर है भाई सरदार जी, ये लो एक और मार दिया। ये मतलब बंदे स्पॉट करना तो मुश्किल है, और अब इतना प्रोन नहीं बनना पड़ता भाई, आपकी आईडी के लिए हानिकारक है ये। खैर अभी फोकस करते हैं हम ये जो डासिया वाला बंदा है इस पर। अब इस बंदे में गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसने अपने आप पे स्मोक भी कर दिया है। अब इस पर घुमा के देखता हूँ कि ये बंदा या तो गाड़ी भगाएगा या फिर यहीं पे छुपा रहेगा। अब इतना बंदा भाई गाड़ी लेके निकल जाता, और सामने ये जो थर्ड पार्टी करने वाला बंदा था बिल्कुल ही स्लो था, इसने बहुत देर कर दिया। अब इस बंदे पर जाने वाला हूँ मैं। और इतने में बंदे ने गाड़ी चालू कर दी। भाई डैमेज खाते खाते वो बंदा निकल ही गया, मतलब कितना HP बचा मुझे नहीं पता, लेकिन मर जाना चाहिए था यार, किल मिल जाता मुझे। अब कोई बात नहीं, मुझे एक और गाड़ी जो सामने स्पॉट हो रही है, अब इस बंदे को कैसे लेते देखो गाइस। तो गाइस ये वाला बंदा बिल्कुल ही लो हो चुका था, तो इसको बिल्कुल ही सेफ तरीके से ले लेता हूँ मैं। तो गाइस ये जो बंदा भाई हैकर बहुत ज़्यादा है भाई, कंटिन्यूस फायर करे जा रहा है, तो एक बार मैं सोचता हूँ भाई इस पे चढ़ जाता हूँ, जो का देखा जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा माइनस करवा चुका हूँ, तो इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगा। और गाइस जब आपका दुश्मन मतलब मजबूत हो तो सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। खैर ये तो हैकर था, और मैं वेट करता हूँ भाई अगले जोन का, क्या पता जोन मेरे पे बन गया तो भाई एडवांटेज लूँगा और उस हैकर को बहुत बुरा बहलूँगा। लेकिन जोन हम पे नहीं बनता है, और फिर मैं सोचता हूँ अब जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा सोच के आ जाता हूँ भाई इधर से, जहाँ ये हैकर फायर कर रहा था वो हैकर भाई स्पॉट हो ही नहीं रहा मुझे यहाँ कहीं, और पीछे से फायर आता मेरे पे। अब गाड़ी का HP बिल्कुल कम हो चुका था और गाड़ी फूट नहीं जाए, इसलिए मैं जंप कर देता हूँ और उस बंदे पर रश कर ही रहा था कि पीछे से भग गई। अब यहाँ पर मेरा सारा फोकस था उस हैकर पे, इसलिए यहाँ पर मैं बाल बाल तो नहीं लेकिन पूरा बच जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं मारा जाता हूँ, ये बात अच्छा नहीं है कि तुम हैक भी कर रहे हो और टीम अप भी कर रहे हो। जो टीम अप वाला बंदा था BRDM वाला वो नहीं होता, तो भाई मैं हील कर लेता और इसको मैं अच्छे से देख लेता। अब इसकी ओवर एक्टिंग देखो भाई, हील कर रहा था, को हील करने की ज़रूरत ही क्या है। तो गाइस ये वाला गेम में मुझे +7 मिले, और आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि भाई आप स्टार्टिंग से लेकर एंड जोन तक कैसे सर्वाइव कर सकते हो, और किल के लिए नहीं जाना है आपको, अपनी पोजिशन के लिए जाना। सो गाइस फिलहाल हमारा रैंक 2 चल रहा है एशिया लीडर बोर्ड में, आप मुझे देख ही सकते हो। तो यहाँ मेरा सारा जो फोकस है भाई नंबर 1 एक्वायर कर लूँ ऐसा सोच रहा हूँ, इसलिए पुश पे ही ध्यान दे रहा हूँ मैं। डेली वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, एक बार रैंक 1 कर लूँ उसके बाद मैं डेली वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर तुम लोग को ये वाला गेम प्ले पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दोगे तो गुलाम नहीं बन जाओगे। तो गाइज मिलते हैं अब अगले वीडियो में, यानी कि कल या फिर जब भी पॉसिबल हो सके, तो तब तक के लिए बाय।
smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You text me, I love you, and then I'd fucking ghost you. The big boys.